हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग इसका 10th पार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों का क्या रह गया था, कैरेक्टर का टेल रह गया था। और मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो कान है, दोनों कान जो कैरेक्टर का है, वो भी अलग से एनिमेट हो। तो इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट द टेल एज वेल एज द सॉरी I will tell you how to create the tail as well as the ears. ठीक है, तो मान लीजिए शुरू करते हैं, इजी वाला डाल देते हैं, ears. So press one, आप इस armature को select कीजिए। ये armature को select करेंगे, यहाँ पे edit mode में आएंगे, I go to edit mode, यहाँ पे आते हैं, I go to this cursor और कान के आसपास यहाँ पे रख देते हैं इस cursor को। add में जाएंगे, single bone add कर लेंगे, मूव टूल, इसको ड्रैग करके कान का यहाँ तक लाइए। इसके बाद इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ओके। अभी देखिए इस व्यू में ठीक लग रहा है, आप कीबोर्ड में 3 प्रेस कीजिए, ये देखिए कहाँ पे रह गया, यहाँ पे रह गया। इसको आप मूव करके कान के पास ले आइए, आपको ठीक से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप 7 प्रेस कीजिए, टॉप व्यू में जाएंगे, टॉप व्यू में देखिए कान यहाँ पे है, ठीक है, ओके। यहाँ पे इसको अभी ऐसे घुमा दीजिए, दो व्यू में अगर आप ठीक से रखेंगे, तीसरे व्यू में वो अपने आप ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा, ओके। तो इसको मैं थोड़ा ऐसा एंगल में रखता हूँ, ऐसे। अभी देखिए एक कान बन गया। सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कान को मिरर कर सकते हैं, या फिर इसको पहले कॉपी कर लेंगे। मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी प्रेस कर लेंगे, एक्स एक्सिस, ऐसे कॉपी कर लिया मैंने, इसको यहाँ पर रखा। इसके बाद ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे ले जाएंगे, उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला मेरा बेस पॉइंट है, ये यहाँ रहेगा, ये वाला पीछे रहेगा, लाइक दिस, ओके। सो मेरा ऑलमोस्ट कान का एरिया में मैंने इसको रख दिया, थोड़ा सा अंदर या बाहर चलेगा, दैट कैन बी एडजस्टेड, ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे। सो यहाँ पे मैंने कान का रख लिया है ऐसे, ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्या रह गया, टेल। टेल कैसे करते हैं, देखिए आप इस कर्जर को ले जाइए, कर्जर को लेके ये जो टेल का पार्ट है उसके ऊपर ऐसे रख लीजिए, ओके। ऐसे घुमा के देखिए कर्जर कहाँ पे रह गया, ऑलमोस्ट ठीक जगह पे रहा है, उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे बोन ऐड करने के बाद, ओके। यहाँ पे हम लोग ऐड में जाएंगे, सिंगल बोन, ओके। सो यहाँ पे मैं 3 प्रेस करता हूँ, लेफ्ट व्यू, इसको मैं ऐसे मूव, सॉरी, मूव टूल में लेंगे, इसको ऐसे मूव कर लेंगे, इसको वायर फ्रेम कर लीजिए, ताकि आपको ये तीन तीन जॉइंट कहाँ पे आपने डाला है आपको दिखाई दे सके। तो सिलेक्ट दिस वन, इसको यहाँ लेते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, तो इसको आप स्केल कर सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल एस, ओके। ये वाला कहाँ रहेगा, यहाँ पे, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई प्रेस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर ई प्रेस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर ई प्रेस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और एक ई में प्रेस करूँगा, ये मेरा कंट्रोलर है, इसको मैं ऐसे बाहर निकाल दूँगा, ऐसे, लाइक दिस, ओके। इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो लास्ट कंट्रोलर है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले कंफर्म हो लेते हैं कि ये टेल पूरा ठीक जगह पे आया या नहीं। इसको ऊपर वाला भाग सिलेक्ट कर लेते हैं, जो उसका मेन पार्ट है, थोड़ा टॉप व्यू में जाइए, थोड़ा सा राइट को जाएगा ये, ऑन कर लीजिए, आप शिफ्ट पकड़ के ये सारे बोन सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। इसको थोड़ा सा ना राइट, मुझे पहले से ही पहला पॉइंट ठीक जगह पे रख लेना चाहिए था, उसके बाद एक्सट्रूड करना चाहिए था, स्टिल मैंने अभी इसको एक साथ में कर लिया, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए आपको ये वाला लास्ट बोन को सिलेक्ट करना है और इसको इसका पेरेंटिंग से हटा देना है। कैसे हटाएंगे, कीबोर्ड में ऑल्ट पी प्रेस कीजिए और क्लियर पैरेंट कर दीजिए, ओके। इससे क्या होगा, ये इंडिविजुअल हो जाएगा, इसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा। ये वाला बोन देखिए, ये इसके साथ कनेक्टेड है, पिछले के साथ, ओके। सो इसको हम लोग वापस उसके ऊपर रखेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ऊपर रखेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, ये वाला बोन को मैं सिलेक्ट करूँगा, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ओके। ये वाला है, ये हमारा बोन्स में जाएंगे, ये वाला है टेल वन, सीरियली नेम कर देते हैं तो हमको इजी होगा। टेल टू, इसको हम लोग करेंगे टेल थ्री, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया,
TAIL टेल थ्री, ये वाला होगा मेरा टेल फोर, ये वाला होगा टेल फाइव, और एंड लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले। ओके ये एक्चुअली क्या रहेगा, ये मेरा कंट्रोलर रहेगा, दिस इज़ एक्चुअली माई कंट्रोलर, ठीक है। सो इसको मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बोन को सिलेक्ट करेंगे, और आईके का प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे पोज मोड में, ये वाला बोन को सिलेक्ट करेंगे, वी विल गो टू दिस कॉन्स्ट्रेंट, बोन कॉन्स्ट्रेंट, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इनवर्स काइनामेटिक्स, टारगेट में हम लोग लेंगे आर्मेचर, बोन में हम लोग कौन सा लेंगे, कीबोर्ड में एरो मार्क डाल के जाइए टेल फाइव, आप जाएंगे यहाँ पे आएगा टेल फाइव कंट्रोलर, ये वाला कंट्रोलर लेंगे, चेन लिंक कितना करेंगे, एक दो तीन चार, चार किस लिए, एक हुआ ये वाला, दो तीन चार, मतलब ये वाला जो कंट्रोलर है ये चार चीज़ों को कंट्रोल करेगा, पोल का मेरा ज़रूरत नहीं है। ओके अभी आप टेस्ट कीजिए, देखिए इसको सिलेक्ट करके आप माउस को ऊपर लीजिए, देखिए ऐसे माउस को आप लेफ़्ट लीजिए, देखिए ओके इसको ऐसे रफली घुमाइए, देखिए आपका टेल ऐसे घूम रहा है। सो होप यू आर क्लियर। तो हमने टेल का लिंकिंग कर दिया, अभी देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाला जो टेल का ये वाला पोर्शन है इसको हमको एडिट मोड में जाना पड़ेगा, गो टू एडिट मोड, टेल का जो ये पोर्शन है शिफ्ट पकड़ेंगे, और ये हिप कंट्रोलर नहीं, हिप का कंट्रोलर नहीं, अंदर वाला हिप, इसको कंट्रोल पी करेंगे, कीप ऑफसेट, इससे क्या होगा मेरा जो बेस ऑब्जेक्ट जब घूमेगा यहाँ से मूव होगा, अभी नहीं पोज मोड में, जब पोज मोड में जाऊँगा और मैं अपना मेन कंट्रोलर को मूव करूँगा तो देखिए मेरा सारा कुछ इसके साथ मूव हो रहा है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, मेरा ये वाला मूव नहीं हो रहा है, लास्ट वाला। तो हमको क्या करना है, एडिट मोड में जाना है, ये जो कंट्रोलर है हम लोग क्या किए थे, सारे कंट्रोलर को इस मेन कंट्रोलर के साथ लिंक किए थे, तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे, आप शिफ्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला कंट्रोल पी और कीप ऑफसेट। अभी हम लोग जाएंगे पोज मोड में, तो इसको अगर मैं मेन कंट्रोलर को मूव करूँगा तो मेरा देखिए टेल भी उसके साथ मूव हो रहा है, लाइक दिस, टेल का कंट्रोलर भी उसके साथ मूव हो रहा है, और कहीं पर भी मैं इस कंट्रोलर को मूव करता हूँ तो मेरा टेल जैसे वैगिंग होता है वैसे वैगिंग हो रहा है। ओके अभी आप देखिए, जब मैं मेन कंट्रोलर को मूव कर रहा हूँ, मेरा ये जो कान रह गया, ओके कान किसको लिंक होगा, ध्यान से देखिए, कान किसी कंट्रोलर को लिंक नहीं होगा, कान मेरा हेड को लिंक होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे एडिट मोड में, जब भी लिंकिंग करना हो एडिट मोड में, और मूवमेंट करना हो तो पोज मोड में। तो ये वाला कान सिलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के ये वाला कान सिलेक्ट किया, और थर्ड में मैंने शिफ्ट पकड़ के मेरा सर को सिलेक्ट किया, मतलब लास्ट में जो सिलेक्ट होता है वो पेरेंट होता है, इसके पहले जो सिलेक्ट होते हैं वो चाइल्ड हो जाते हैं। तो मैं इसको एक बार सिलेक्ट करके, इसको एक बार सिलेक्ट करके कंट्रोल पी करके करने से बदले, मैं पहला दो चाइल्ड सिलेक्ट कर लिया और लास्ट में मैंने पेरेंट को सिलेक्ट किया। सो कंट्रोल पी कीप ऑफसेट। तो अभी क्या होगा, अभी जब मैं जाऊंगा यहाँ पे पोज मोड में, मेरा जो मेन पोज है इसको जब मैं मूव करूंगा तो देखिए मेरा पूरा कैरेक्टर का बाइपेड इसको मूव हो रहा है। ओके लाइक दिस। अभी मैं कीबोर्ड में थ्री प्रेस करता हूँ। सो देखिए अभी इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन कि ये जो इसका जो चिन पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग मॉर्फर से करेंगे तो बेटर होगा, या हम लोग अगर इसको बोन में करेंगे तो बेटर होगा, दिस इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन। ठीक है, ये हमारा मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको मॉर्फर में डालें या इसको इसमें डालें, या फिर इसका स्माइलिंग के लिए भी यहाँ पे हम लोग बोन दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, कंट्रोलर में थोड़ा सा अगर कंट्रोलर आपने सेट कर दिया तो एवरीथिंग विल बी ईजी। मॉर्फिंग में अगर जाएंगे तो मॉर्फर मैंने पढ़ाया था, फेस मॉर्फर हम लोग क्या करते थे, फेस को कॉपी करते थे, एक एक एक्सप्रेशन अलग अलग नाम से शेप्स में डालते थे। यहाँ पर भी हम वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ योर चॉइस कि बोन से करें या मॉर्फर से करें। ठीक है, अभी मैं ये वाला जो चिन पार्ट है मैं इसको मॉर्फर से नहीं करके इसको मैं बोन से कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एडिट मोड में जाएंगे, मैंने इस बोन को सिलेक्ट किया, कोई भी बोन, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ से तो यहाँ क्लिक कर दिया,
ऐड में जाएंगे, सिंगल बोन करेंगे, मूव टूल लिया, ये इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे छोटा सा, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल्ट कंट्रोल एस स्केल। एक बार में अच्छे से स्केल नहीं होता, आप दोबारा ऑल्ट कंट्रोल एस करेंगे और थोड़ा, फिर ऑल्ट कंट्रोल एस करेंगे और थोड़ा, ऐसे 3-4 बार स्केल करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। अभी आप 1 प्रेस कीजिए फ्रंट व्यू में, यहाँ पे रह गया, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको लाके यहाँ पे रख दीजिए, ओके, इन द मिडिल ऑफ द चिन, ऐसे बस 3 प्रेस कीजिए, थोड़ा बड़ा हो गया लगता है, इसको यहाँ से छोटा करेंगे यहाँ तक, ठीक है, ओके। इसको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, इसका मैं वेट पेंटिंग आपको सिखाऊंगा जहाँ पे आप इसको कर सकते थे। हम लोग अगर कैरेक्टर का मुंह को थोड़ा ओपन रखेंगे तो इजी होगा, तो एक काम क्या करता हूँ मैं, बोन को ऐसे कर देता हूँ, मैं अपना कैरेक्टर में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, कैरेक्टर को हम लोग, मैं टैब प्रेस करता हूँ और वायर फ्रेम मोड, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा मूव करके नीचे ले आता हूँ ऐसे, ये जो मुंह का पार्ट है इसको मैं नीचे ले आता हूँ ऐसे बस, ओके, सो लेट मी कीप इट ओपन ताकि मैं अपना कंट्रोलर से उसको क्लोज करूँगा, ठीक है। मुंह मैंने ओपन रखा, जुबान ओपन रखा, इसको मैं कंट्रोलर से क्लोज करूँगा, 1 मैंने प्रेस किया, ओके लाइक दिस, ओके अभी टैब ऑफ कर दीजिए, ओके ये हो गया लाइक दिस, देखिए हमारा मुंह यहाँ पे कनेक्टेड में क्लोज हुआ है कि नहीं बोन में, आई थिंक इट इज़, अंडू इमिडिएटली कर दीजिए चेक करने के बाद, ठीक है मैंने अंडू कर दिया, ओके सो मुंह थोड़ा ऐसा खुला हुआ है। सो रिगिंग में हमने क्या क्या किया, अभी टेल डाला, कान का लिंक डाला, मुंह का ऐसा चिन डाल दिया, ओके सो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक स्टेप आगे जाएंगे और मुंह के अंदर का जो टंग है और छोटा छोटा दांत है वो हम इसमें डाल के अटैच कर देंगे, ओके सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप इतना तक यहाँ पे रिगिंग को कंप्लीट कीजिए, थैंक यू।